जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें गाड़ी ऑटो रिक्शाज ये सब देखने में आया है और वो ओवर स्पीड और डेंजरस ड्राइविंग करते हुए दिख रहे हैं, तो हमने इमीडिएटली जो है अपनी दो टीम ट्रैफिक की बनाई है और हम उनको आइडेंटिफाई करके आरटीओ से सारी इन्फॉर्मेशन लेके और उनके घर से उनको पकड़ के लेके आएंगे और उनके अगेंस्ट में एक्शन ज़रूर लेंगे। और ऐसी वीडियोस बनाने वालों को भी मैं बोलूँगी कि आजकल सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम में ज़्यादा लाइक्स आएँ, उसके लिए काफ़ी सारे लोग हैं जो डेंजरस ड्राइविंग करके और ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है और उसमें फैटल एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपके लिए आप ऐसी वीडियो ना बनाएं और उसका सोसाइटी पे भी एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है, तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट भी है। और दूसरा एज अ पुलिस मैं बोलूँगी कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी हम उनके खिलाफ में लेंगे। कितनी टीम भेजी आपने? दो टीम हमने बनाई है। ये मतलब वेरीफाई तो अभी तक कि किस टाइम का है वो नहीं है, बट जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है ये कल का वीडियो है। मैडम ये लोग रेस लगाते हैं जी, और बच्चे लोग जाते हैं तो कैसी तकलीफ होती है परिवार के साथ? काफ़ी सारे उसमें एक्सीडेंट्स भी होने के चांसेस होते हैं, तो एक अगर आदमी जिस पे पूरा फैमिली डिपेंड करता है तो उसमें पूरा जो परिवार है वो टूट सकता है, तो ये सिर्फ एक अकेले आदमी के लिए नहीं पूरे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। कौन लोग और कितने लोगों की है पूरी गैंग? इसमें गैंग का भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि इंडिविजुअल है कि गैंग है, बट वो सारी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके सबके अगेंस्ट में हम एक्शन लेंगे। इन लोगों का उद्देश्य क्या है, कोई शर्त लगाते हैं, क्या उद्देश्य है? एक बार हम उनको पूछताछ करेंगे, उसके बाद हमें क्लियर होगा कि क्या कारण है। बट आजकल जितना मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे ये वीडियो ज़्यादा आती है, तो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग और वायरल वीडियो करने के लिए जहाँ तक हो सकता है ये कारण हो सकता है कि लोगों के लाइक ज़्यादा मिलें, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ें, इस कारण से भी हो सकता है। मेरे सामने ये पहली बार ऐसा कि एक मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशनलाइज करके या किसी ने मतलब हर साल इसको इवेंट की तरह पे बनाया, ये पहला आया है। एक छोटे मोटे इंडिविजुअल इवेंट्स तो आते हैं, बट इस टाइप का ये इवेंट मतलब हर साल है, प्लान्ड है, वेल प्लान्ड है, वो एक बार मतलब हम आइडेंटिफाई करके और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही पता कर पाएंगे। मैडम कौन सी किलोमीटर गुना? इसमें डेंजरस ड्राइविंग का, ओवर स्पीडिंग का और रेकलेस ड्राइविंग का ये सब गुना दाखिल है। ऐसे दिख रहे हैं वीडियो में और ऐसा ऑडियो में भी जी, तो वो हम सारी चीज़ें पता करके और इन्वेस्टिगेशन करके और क्लियर हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है, क्या शर्त लगी थी और क्या इसमें फैक्ट्स हैं। थैंक यू।